हे गाइस, क्या आप भी बोर हो चुके हो अपने पुराने लुक से और चेंज करना चाहते हो मेरी तरह अपना लुक? आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से अभी पार्लर्स तो बंद है, तो अपने घर पे ही आपको कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। और फेस भी डल हो चुका है, आप देख सकते हो। और हेयर्स भी जो ग्रे है वो आगे आ रहे हैं, आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर बहुत सारे ग्रे हेयर्स है, तो वो भी आगे दिख रहे हैं। पार्लर में तो अभी आप जा नहीं सकते हो, तो घर पे ही कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा हमारे लुक को चेंज करने के लिए। जैसे मैंने सोचा चलो आज अपना लुक ही चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा जो भी करना है अपने फेस के लिए, हेयर के लिए, और वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है न्यू गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। इसमें मैंने शेड लिया है नेचुरल ब्राउन 4.00। ये आपके हेयर को अल्ट्रा सॉफ्ट बनाता है और डीप शाइन देता है, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसमें शेड ऑप्शन भी है, आप चाहो तो कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसमें नेचुरल ब्राउन चूज़ किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कलर चाहिए। इसी वजह से आप कोई भी कलर इसमें से चूज़ करोगे तो आपके जो ग्रे हेयर्स है वो पूरे हाइड हो जाएंगे। आपको अगर थोड़ा सा डिफरेंट लुक चाहिए तो आप कलर यूज़ कर सकते हो मेरी तरह, मतलब नेचुरल ब्राउन या बरगंडी या डार्क ब्राउन, इस तरह से। किसी किसी को नेचुरल ब्लैक हेयर ही पसंद होते हैं, कलर यूज़ करना पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। आप ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हो इसमें, और उससे पूरे आपके जो ग्रे हेयर है वो हाइड हो जाएंगे। इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा के फायदे तो आपको पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। एलोवेरा फेस के लिए जैसे अच्छा है, वैसे ही बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बालों की रीग्रोथ करने में ये हेल्प करता है, बालों को बढ़ाने में ये हेल्प करता है, बालों में डैंड्रफ अगर है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। अगर बालों में आपकी चिपचिपाहट है या आपके बाल चिपचिपे हो चुके हैं तो उसे भी ये एकदम सॉफ्ट बनाता है, और ये आपके बालों में नमी भी बनाए रखता है। तो इतने सारे एलोवेरा के फायदे हैं, और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें अमोनिया नहीं है, मतलब जो आपके बालों को डैमेज करेगा वही केमिकल इसमें नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि इसको आपको लगाना कैसे है। इस पैकेट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो उसमें आपको एक मैनुअल मिलेगा जिसमें सारा कुछ लिखा होगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, और उसमें आपको एक क्रीम और डेवलपर मिलेगा, उसे आपको एक कांच के बोल में मिक्स कर लेना है अच्छे से। मिक्स करने के टाइम आपको ध्यान देना है कि कोई भी लम्स ना रहे, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए दोनों भी एक साथ, डेवलपर और क्रीम। तो गाइज हमारा कलर मिक्स होके रेडी है, तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं टारगेट करूंगी अपने ग्रे हेयर पे। आपको पता है यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ऊपर ऊपर लगाऊंगी। पूरा कलर लगाने के बाद एक कोम की हेल्प से आप इसे इस तरह से कोम कर सकते हो ताकि आपके पूरे हेयर्स में ये कलर लग जाए। तो फेस भी काफ़ी ज़्यादा डल लग रहा है, तो चलिए कुछ DIY करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कांच के बोल में लिया है 2 चम्मच टोमेटो का पेस्ट, और उसमें मैंने ऐड किया है बेसन और चावल का आटा। ये मैंने एक कंटेनर में पहले ही बना के रखा था, वो मैंने उसमें ऐड किया है, और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा हनी ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको, और आपका फेस पैक रेडी है। फेस पैक भी हमारा रेडी हो चुका है, तो इस तरह से आपको फेस पे इसे अप्लाई कर लेना है। स्क्रब का भी काम करेगा, और आपकी फेस पैक आपके स्किन के डलनेस को दूर करेगा, आपका सन टैन हटाएगा, आपके स्किन पे जो डार्क स्पॉट है उसे भी हटाता है। तो काफ़ी जो स्किन के प्रॉब्लम्स है आपके इससे दूर हो जाएंगे ये वाले फेस पैक अप्लाई करने से। आपका ये फेस पैक बच जाता है तो इसे आप नेक पर भी अप्लाई कर सकते हो और हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर उस पर से भी बच जाता है तो आप इसे लेग पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसे अप्लाई कर लीजिए, ड्राई होने तक वेट कीजिए। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आप जब इसे रिमूव करोगे तो आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करके इसे रिमूव करना है ताकि आपकी जो डेड स्किन है वो निकल जाए। और जब आपकी डेड स्किन निकल जाएगी तो आपकी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है, और जो भी बचा हुआ है मैं अपने हाथों पर अप्लाई कर लूँगी। इस तरह से स्क्रब करते हुए आपको इसे अप्लाई करना है। सो गाइज आफ्टर वॉश रिजल्ट आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सिल्की एंड शाइनी हो गया है, बिल्कुल एक ग्रे हेयर भी नहीं रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका रिजल्ट। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको ये पसंद आया है गोदरेज का न्यू रिच क्रीम हेयर कलर और आपको इसे परचेस करना है, तो ये लोकल मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो अमेजोन पर भी इजीली ये अवेलेबल है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।